अगर आप अपने घर परिवार और अपने लोगों के लिए भविष्य में उपयोग करने के लिए खातों में धनराशि जमा करते हैं और आपको पता चले कि आपके खाते में पैसा ही नहीं है तो कैसा हो? दरअसल मामला बरगी थाना अंतर्गत निगरी गांव का है, जहां पर हजारों लोगों के खातों से पैसे का घालमेल सामने आया है। लोगों ने इस बारे में कई जगह शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गाँव के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। इसकी शिकायत उन्होंने SDM से की। लोगों का आरोप है कि तकरीबन 1300 लोगों के खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सारे लोगों में कई बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, जिनके माता पिता नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनका पैसा उन्हें लौटाया जाए। वहीं पूरे मामले में SDM कलावती देवरे का कहना है कि पूरे मामले में SP जबलपुर को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों के खातों से पैसे कैसे निकल गए और अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और इतने लंबे समय से जब लोग शिकायत कर रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा पोस्ट ऑफिस निगरी में है, इसका हेड ऑफिस बरगी लगता है। मैंने सुकन्या खाता में ही पैसा जमा किया। दिसंबर माह में पोस्ट ऑफिस वाला डाकिया नहीं आ रहा था तो मैं बरगी ब्रांच गया। वहाँ मैंने उनसे पूछा, बोले यहाँ से जमा हो जाएगा। मैंने 2000 रुपये बरगी पोस्ट ऑफिस में भी जमा किया। कितने समय से आप पैसा ऐसा जमा कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको जमा करते हुए? जमा करते हुए मेरे को करीब 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष हो गया, तो कितना पैसा रहा होगा तमूमन उसमें? 2009 से जमा कर रहा है। 53,000 रुपये है। और अभी कितना दिखा? अभी उसमें मात्र 500 रुपये बता रहा है। अच्छा, जब स्टेटमेंट निकलवाया मैंने, क्या चाहते हैं आप? मेरे को पूरा 53,000 रुपये चाहिए मेरा, जो है सुकन्या खाता भी मेरा लफड़ा है। उसमें मैंने बरगी पोस्ट ऑफिस में 30 तारीख को पैसा जमा किया 2000 रुपये, एंट्री कर दी 8,500 रुपये हो गए। जब मैंने वहाँ स्टेटमेंट निकलवाया उसमें 6,500 रुपये बता रहा है, 2000 रुपये उसमें लफड़ा बता रहे हैं। बरगी पोस्ट ऑफिस से है ये लफड़ा, निगरी पोस्ट ऑफिस का नहीं है, ये बरगी पोस्ट ऑफिस का लफड़ा है। कोई दाहिया जी करके हैं, एक ही डाकी आता था, राजेश ध्रुवे। बाकी बरगी पोस्ट ऑफिस में करीब 6-7 वर्कर है वहाँ पे। कम हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का घपला है सर। और कितने सारे लोगों के साथ हुआ, मतलब कम से कम 1300 लोगों के साथ? थाना बरगी जिला जबलपुर है और ग्राम निगरी है। अच्छा, क्या हो गया है, क्या मामला है? जी हमारे गांव में एक वो पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसे जमा करते रहे, कुछ 8-8 महीने से पता चला कि पैसे नहीं है। जब हम लोग गए जमा का पता करने, वहाँ पैसे है ही नहीं थे हम लोग के खाते में। फिर हम लोग बड़ी ब्रांच गए यहाँ आए जबलपुर, तो वहाँ भी पता किए हो जाएगा, मिल जाएगा। करीबन ये 10 महीने से होने लगे हैं ऐसे। ऐसे कितने लोग हैं? 1300 खाते हैं। हम वैष्णवी पटेल है और इसके खाते में 1,60,000 योजना के तहत जमा, ये सुकन्या वाला खाता था। अब इसमें कितने दिखा रहे हैं, कुछ पैसा दिखा रहे हैं? इसके खाते में तो नहीं दिखा रहे हैं, मतलब इसमें है, बुक में है और नेट में नहीं दर्शाया दिया जा रहा है। क्या बरगी तहसील के ग्राम निगरी के लोग आए हैं, इनका ये कहना है कि पोस्ट ऑफिस में इन्होंने जितने पैसे जमा किए थे, जब इन्होंने खाते में जाके देखा तो उससे कम पैसे जमा हुए हैं। तो इसमें बोल रहे हैं ये लोग, इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी हुई है। तो हम SP साहब को भी ये पत्र भेज देंगे और यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनको भी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।